हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था डिफरेंशिएशन, और लास्ट क्लास में हमने किए थे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आई होप कि आपने वो याद कर लिए होंगे। और आज हम देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस टू अपॉन एक्स माइनस 13 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए आप, अब हम सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि जो हमने बेसिक रूल्स पढ़े थे, क्या ये उनके जैसा है या नहीं है। तो देखिए, ये तो क्या है, एक्स टू द पावर एन, तो ये तो बेसिक रूल से मैच हो गया हमारा, है ना। लेकिन ये क्या है, टू अपॉन एक्स, ऐसा तो कोई रूल नहीं पढ़ा था हमने। और ये क्या है, 13 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी कोई रूल हमने नहीं देखा था। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे जो हमने रूल्स पढ़े थे ना उनमें। तो क्या बन जाएगा, ये टू इंटू एक्स टू द पावर माइनस वन, ये नीचे था ना, इसको ऊपर लेकर आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस वन। और ये बन जाएगा आपका 13 इंटू एक्स टू द पावर माइनस टू। जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाता है डिजिट, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस में। तो अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, देखो एक्स की पावर एन, ठीक है ना। अब इसको यहां से सॉल्व करते हैं हम, तो क्या बनेगा, ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, क्या पढ़ा था, एन एक्स एन माइनस वन, तो ये क्या बन जाएगा, थ्री माइनस वन। यहां पर आइए, ये क्या है, प्लस। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, टू एक्स, और ये क्या है, 13 एक्स। तो जो टू है, या समझ लें आप, जो कांस्टेंट नंबर्स है वो डिफरेंशिएट नहीं होते। तो टू को हम एज इट इज लिखेंगे, और क्या आ जाएगा, टू इंटू यहां पर क्या लगाएंगे, एन एक्स एन माइनस वन। तो यह आया आपका एन एक्स और एन माइनस वन, ठीक है ना। यहां पर देखिए माइनस, इसी तरह 13 एज इट इज इंटू एन एक्स और एन माइनस वन। ये हमने इनको सॉल्व कर लिया अपने जो हमने रूल्स देखे थे ना उसके अकॉर्डिंग। तो कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x2, ये कितना बना, 2 वन ज़ा 2, तो माइनस 2x2 माइनस 2, ये कितना, देखो माइनस का 13 और ये कितना हो जाएगा, 26, तो प्लस का 26x2 माइनस 3। अभी क्वेश्चन हमारा ओवर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने देखा कि यहां पर जो पावर है वो नेगेटिव में है, तो इस पावर को हम डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो कितना बनेगा, 3x2 माइनस 2 अपॉन x2 प्लस 26 अपॉन x3, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x2, इस पूरे की पावर कितनी है, 3, इसका क्या है, क्यूब। फाइंड करना है आपको dy अपॉन dx, यानी कि डिफरेंशिएट करना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे क्यूब को खोलकर। तो देखिए क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू क्यूब की आइडेंटिटी क्या है, ये बना ना, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए ए का क्यूब, तो जब इसका क्यूब करेंगे हम तो क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का क्यूब कितना होगा, 6, तो ये आ गया एक्स की पावर 6 प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कितना बन जाएगा, 1 अपॉन x2 पावर 6 प्लस फिर आता है 3 इंटू ए स्क्वायर बी, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, एक्स की पावर 4 इंटू 1 अपॉन x2 प्लस 3 बी स्क्वायर ए, तो 3 इंटू बी स्क्वायर कितना हुआ, एक्स की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या बनी हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए। इसकी मैं आपको अलग से एक लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप सारी आइडेंटिटीज वहां से आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना बन गया, देखो यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर, इससे ये 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2, और यहाँ से ये वाला कैंसिल हो गया, नीचे कितना बचा 2। तो अब हम इसको लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आया, वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस ये कितना बचा 3x² और प्लस 3 अपॉन x². अब हम वही देखेंगे कि जो हमने रूल्स पढ़े थे उनके जैसा ये पूरा क्वेश्चन है या नहीं है। तो ये तो है एक्स टू द पावर एन, ये भी है एक्स टू द पावर एन, लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूमरेटर में लेकर आएंगे इनको। तो क्या बन जाएगा ये एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर -6 प्लस 3x² प्लस 3x^2 -2। अब हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है एन एक्स एन -1 प्लस -6 इंटू एक्स और -6 -1, इसका क्या आएगा प्लस 3 × 2x 2 -1 प्लस 3 × -2 और एक्स -2 और -1। ये आ गया हमारा डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू। तो फाइनल कितना मिला हमें, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 6x^5 माइनस 6x^ -7 प्लस 6x^1 और माइनस 6x^ -3। अब क्या देखा हमने कि यहां पर जो ये वैल्यूज हैं, दो वैल्यू हमारी नेगेटिव में है, तो इनको पॉजिटिव कैसे करते हैं, पॉजिटिव करने के लिए इनको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे हम। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 6x^5 माइनस 6x^7 प्लस 6x और माइनस 6 अपॉन x³। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो समझ में आ रहा है ना, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू x^4 प्लस 5 टू द पावर x प्लस log x। ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब क्या चेक कर रहा है कि क्या ये बेसिक रूल वाले हैं या नहीं है। तो देखिए बिल्कुल है, ये क्या है x^n और ये क्या है, ये है a^x, ठीक है ना। a तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है और ये क्या है x प्लस log x, तो तीनों बहुत छोटे से हैं। देखिए कितना आंसर आएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स एन -1 प्लस इसका क्या था 5x log 5 और प्लस लॉग एक्स का कितना होगा भाई, लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन x, ठीक है ना। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि बेसिक रूल्स जो है वो अच्छे से याद कर रहे हैं, बेसिक रूल्स याद कर लिए तो ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल आंसर कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x³ प्लस 5 टू द पावर x log 5 प्लस 1 अपॉन x। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू x² माइनस 3x प्लस 2 और दूसरा है x प्लस 2। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब इसका भी हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएशन फाइंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू
इस एक्स को पूरे से मल्टीप्लाई और इसी तरह इस टू को पूरे से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x प्लस, अब इस टू को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² माइनस 6x प्लस 4, ठीक है ना। तो कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू, अब जो सेम सेम है उनको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब और यहां पर क्या है देखो, एक्स स्क्वायर और ये भी है एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है एक्स, ये भी है एक्स, तो माइनस 4x और प्लस का 4, ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। अब करेंगे हम इसको डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या मिल गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या लगेगा सब में, एन एक्स एन माइनस वन, इसमें क्या लगेगा भाई, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जीरो होता है, तो देखिए 3x² माइनस 2x माइनस 4, और ये जो कांस्टेंट है इसका कितना होगा, जीरो, तो ये आ गया हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x माइनस 4, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक नई चीज देखेंगे, फिलहाल ये देखिए क्वेश्चन क्या है नया वाला, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस log x प्लस e टू द पावर x, ये है हमारा क्वेश्चन। तो सॉल्व करें कैसे करेंगे इसको, देखिए वही करना है भाई, पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, तो ये खुल जाएगा स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, तो क्या बनेगा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 2ab, इसका मतलब 2 इंटू 2x इंटू 1 कितना हो गया 4x, प्लस ये लॉग एक्स एज इट इज और ये ई टू द पावर एक्स भी एज इट इज, ठीक है ना। अब बस हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, कितना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 8x बाई 4 टू 8 और x 8x प्लस 0 प्लस, ये क्या है देखो कांस्टेंट के साथ x है तो खाली कांस्टेंट बचता है, कितना आ गया 4 प्लस log x का कितना होगा 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही रहता है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 8x प्लस 4 प्लस 1 बाय एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे आपके लिए प्रोडक्ट रूल, लेकिन आगे जितना भी हम पढ़ेंगे ना वो सब बेस्ड कहाँ पर है, आपके जो बेसिक रूल्स थे, तो बेसिक रूल्स आप अच्छे से पढ़ लें तभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे इस चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।